हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 44 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल को एरे एंड ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल कैसे यूज करते हैं एरे एंड ऑब्जेक्ट में। तो पहले मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में, पिछले नहीं मतलब जो जिस टाइम में मैं वेरिएबल बता रहा था उस टाइम में, उस लेक्चर में, वेरिएबल के लेक्चर में मैंने आप लोग को तीन वेरिएबल बताया था, वेर, लेट एंड कांस्टेंट। तो वहां पर हमने देखा था कि कांस्टेंट जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम एरे और ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैं एक वेर लेता हूँ, वेर नहीं आपका एक कॉन्स्ट लेता हूँ, और यहाँ पर ए नेम दिया इसका, और यहाँ पर अभी फिलहाल मैं एरे में ले रहा हूँ इसको, ठीक है। 10 लिया, 20 लिया और एक 30 ने लिया। ये मेरा सिंपल एरे है। इस एरे में मैं ये जो कॉन्स्ट है, एक जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, ये वेरिएबल मैं एरे पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम में जब हम लोग कॉन्स्ट पढ़ा था तो उस टाइम में हमने क्या देखा था कि कॉन्स्ट जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को हम चेंज नहीं करते थे, जैसे यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसके वेरिएबल को हम दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखनी है कि कॉन्स्ट के वेरिएबल को अगर आप चेंज करना चाहते हो एरे में या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स आप उस वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर इसका इंडेक्स 0 है, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ये आपका 1 पोजीशन पे है, ये आपका 3 पोजीशन, 2 पोजीशन पे है। तो इंडेक्स के थ्रू हम उसका वैल्यू 1 बाय 1 चेंज कर सकते हैं। आप पूरे वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूंगा, ए इक्वल टू मैंने लिया ए ऑफ एरे। अब मैं जो ये कौन सी पोजिशन पे है, ये आपका 1 के पोजिशन पे, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा इक्वल टू, मैं यहाँ पर 40 चेंज करना चाहता हूँ। अब इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसको मैंने प्रिंट किया और यहाँ पर लिख दिया ए। अब देखो यहाँ पर अभी तो मेरा, अभी देखो 10, 20, 30 था, अब मेरा 1 पोजीशन पे 20 की जगह पर मेरा 40 चेंज हो चुका है। देखो तो हम लोग एरे के थ्रू कॉन्स्ट जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप इंडेक्स के थ्रू चेंज कर सकते हो। अगर आप पूरे वेरिएबल को चेंज करना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे देखो मैंने, मान लो कि मैंने ऐसा लिखा ए इक्वल टू, ऐसा लिखा मैंने, सपोज मैंने लिया 30 लिया, 40 लिया और 50 लिया। तो इस सिचुएशन में देखो एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंडेक्स था वो आपने सब ले लिया। तो ये तो हमें पता है कि आप कांस्टेंट के, कांस्ट जो है वेरिएबल, उसको पूरे वेरिएबल को एट ए टाइम आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन एरे के थ्रू मैं इंडेक्स बाय इंडेक्स, 1 बाय 1 मैं इसके वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ये जो लाइन है, यहाँ पर आपको कंपाइल्ड एरर आ रही है। तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि जावास्क्रिप्ट का एरर चेक करनी है तो आपको कंसोल पे जाना होता है। कंसोल पे जाकर राइट क्लिक करके, ब्राउजर के कंसोल पे जाना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना और कंसोल पे आपको एरर दिख जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर एरर है इसलिए मेरा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको ऐसा कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर दिया। अब देखो ये मेरा वैल्यू चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर और वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, मान लो कि 0 पोजीशन पे वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा लिखूंगा 0 पोजीशन, अब इसके जगह पर मैंने 15 लिखा। तो देखो मेरा 15 वैल्यू चेंज हो चुका है यहाँ पे। वैसे ही आप 30 के पोजीशन, मतलब कि 2 पोजीशन पे आप चेंज कर सकते हो। 2 पोजीशन पे मैंने 50 किया, देखो मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है। तो आप 1 बाय 1 इंडेक्स के थ्रू वैल्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन एट ए टाइम आप चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। तो मैं फाइनली आपको बोलना चाहूंगा कि कॉन्स्ट अगर आप एरे में यूज कर रहे हो तो उसके अंदर का वैल्यू एरे के थ्रू 1 बाय 1, मतलब इंडेक्स के थ्रू चेंज कर सकते हो। आप एट ए टाइम नहीं चेंज कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट में हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने ओपन ब्रेस किया, यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होता है और वैल्यू होता है। तो प्रॉपर्टी मान लो कि मैंने नेम लिया,
और यहाँ पर नेम में मैंने कुमार ले लिया, और यहाँ पर कॉमा देख एज ले लेता हूँ, एज मैंने 26 लिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ए लिया डॉट, ये जो नेम है ना अभी फिलहाल देखो मेरा आउटपुट, अभी मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, ए डॉट नेम। अभी देखो मेरा कुमार आ चुका है, मतलब कुमार को मैंने टारगेट कर लिया, कुमार आ चुका है। अब मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो, ए डॉट नेम, और इसका वैल्यू मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, वन बाय वन आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर गोविंद कर देता हूँ, अब देखो मेरा वैल्यू चेंज हो चुका है। तो आप ऐसे वैल्यू चेंज कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपको दोनों एक साथ में चाहिए तो यहाँ पर कॉन्केट कर देना, यहाँ पर मैं कॉन्केट कर देता हूँ, फिर ए डॉट एज कर दिया मैंने। अब मेरा एज भी आ चुका है, इसको स्पेस दे दो, देखो मेरा एज भी आ चुका है। तो ऐसे अब मैं जैसी एज को भी मैं चेंज करना चाहूंगा, तो यहाँ पर ए डॉट एज कर देना इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 25 कर दिया। अब देखो मेरा एज चेंज हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि कॉन्स्टेंट जो होता है, हम वेरिएबल को पूरे को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन मैं वन बाय वन इसके वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग एरे और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब जैसे देखो ये आप पूरे चेंज करना चाहोगे तो एरर आएगा, नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ, ए इक्वल टू मैं लिखता हूँ ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर में मैंने नेम लिया, मान लो नेम मैंने क्रिश लिया, यहाँ पर क्रिश मैंने नेम लिया, और कॉमा देकर एज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 27। अब देखो यहाँ पर एरर आ रही है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि ये एरर है, और इस एरर को आप कंसोल पर देख सकते हो। तो ये आपका कॉन्स्ट वेरिएबल है, इसलिए आपको ये पूरे नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको चेंज करनी है तो वन बाय वन आप चेंज कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।